कृष्ण और सुदामा की मित्रता को इतनी सोहरत क्यों मिली, इसे एक प्रचलित कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। सुदामा भगवान कृष्ण के सहपाठी रहे। सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनके सामने हालात ऐसे थे कि बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। गरीबी से तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, वे खुद भूखे रह सकते हैं लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। ऐसे कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर सुदामा की पत्नी ने कहा, आप बताते रहते हैं कि द्वारका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं, और द्वारका के राजा के आपके मित्र हैं तो क्यों एक बार क्यों उनके पास नहीं चले जाते? वो आपके दोस्त हैं तो आपकी हालत देखकर बिना मांगे ही कुछ न कुछ दे देंगे। इस पर सुदामा बड़ी मुश्किल से अपने सखा कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि किसी मित्र के यहाँ खाली हाथ मिलने नहीं जाते, इसलिए कुछ उपहार उन्हें लेकर जाना चाहिए। लेकिन उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। कहते ही सुदामा की बहुत जिद करने पर उनकी पत्नी सुशीला ने पड़ोस से चार मुट्ठी चावल मांग कर लाए और वह कृष्ण के लिए उपहार के रूप में एक पोटली में बांध दिया। सुदामा को देख कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत ही सुखी और संपन्न थे। सुदामा किसी तरह से लोगों से पूछते हुए कृष्ण के महल पहुंचे। द्वार पर खड़े पहरेदारों ने कृष्ण से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। लेकिन उनकी हालत देखकर द्वारपालों ने पूछा, क्या काम है? सुदामा, कृष्ण मेरे मित्र हैं। द्वारपालों ने महल में जाकर भगवान कृष्ण को बताया, कोई गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस सुदामा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। वहां मौजूद लोग हैरान रह गए कि एक राजा एक गरीब साधु में कैसी दोस्ती हो सकती है। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा। इस सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा की गरीबी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ग्राम सभा सलीमपुर गांव में भोलेनाथ शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सप्ताह के अंतिम दिवस मंगलवार को कथा व्यास सुरेश कुमार महाराज जी अपने मुखार बिंदुओं से प्रकट की। अखिलेश राजपूत की रिपोर्ट। अरे द्वारपालो कन्हैया सिसदू, अरे द्वार अब आज दे दो।